नमस्कार, मैं दीपंकर पाल। आज दुर्गा अष्टमी है। बंगालियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोले तो दुर्गा माता फेस्टिवल। ये दुर्गा माता फेस्टिवल सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरे तेलंगाना में भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारे बंगालियों का जो दुर्गा माता उत्सव है, दुर्गा फेस्टिवल है, ये बहुत फेमस है। आज हम लोग शमशाबाद में, हैदराबाद का शमशाबाद में बंगाली काली माता जो टेम्पल है, वो टेम्पल में पहली बार इस बार दुर्गा माता उत्सव पालन कर रहा हूँ। इसलिए कि हैदराबाद में पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश गिरे, वो बारिश में बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत सारे लोगों को घर चले गए, बहुत सारे लोगों को काम चले गए, बहुत सारे लोगों को बीमार पड़ गए। तो वो लोगों के लिए और विश्व में जो भी ये कोविड-19 का जो पिछले की कई महीनों से कोविड-19 का तकलीफ चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, हम लोग माता के पास, दुर्गा माता के पास यही कामना कर रहा हूँ। हे माँ, हमारे विश्व में जो कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रही है, पूरा कोरोना को दूर करके हमारे वर्ल्ड को अच्छा रखे, वर्ल्ड के जनता को अच्छा रखे और हिंदुस्तान को भी अच्छा रखे, यही हमारा कामना है। नमस्कार। हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंद काली मंदिर से बोल रहे हैं। और ये हम लोग का एक सपना था कि हम लोग हैदराबाद में एक बड़ा सा मंदिर बनाए, जैसा निज़ाम के टाइम पे लक्ष्मी माता का मंदिर बना है। लक्ष्मी माता के मंदिर के बाजू में ही मस्जिद है और हम लोग मस्जिद को भी जाते हैं। मैं मस्जिद को भी जाती हूँ, मंदिर को भी जाती हूँ। वैसे ही हम लोग का भी एक सपना था कि दक्षिण कलकत्ता में जैसा दक्षिणेश्वर मंदिर है, सेम वैसे ही रूप में हम लोग की कोशिश है और हम लोग सफल भी हो गए उसमें। और हम लोग की एक ही कामना है, हम लोग सपने में नहीं सोचे कि दुर्गा माता का हम पूजा करेंगे इस बार, क्योंकि कोरोना के वजह से हम लोग सोचे नहीं थे। मगर हम लोग एक प्रार्थना ये करे थे, प्रण लिए थे कि हम लोग कोरोना को भगाने के लिए हम सब मिलकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग को पूरा आशा है कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाएगा। हम लोग के प्रार्थना में दम है, क्योंकि जैसा हम लोग के प्रार्थना से मंदिर इतना बड़ा हुआ है, वैसे ही कोरोना भी भाग जाएगा। कलकत्ता में दुर्गा पूजा का खास नहीं, हम लोग नहीं मिस कर रहे। सही बात बोले तो हम लोग को ऐसा लग रहा है ये सराउंडिंग जो है पूरा कलकत्ता का की तरह है। एक तो हम लोग को इधर जैसा पुकुर बोलते हैं, बंगाली में क्या है पुकुर बोलते हैं, तो उधर माता को निमज्जन करने के लिए भी माता खुद बारिश देकर वो पूरा भर दिए। हम लोग को टैंक में जाना की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, माता खुद है इधर, इसीलिए माता पानी भी भर दी उधर, समझे। ये हम लोग के आंग पे कांटे, शरीर में कांटे आ जाते, ये इधर सच्ची में माता है। और हम ठीक है, एक ही प्रार्थना है, ईस्ट ये फर्स्ट दुर्गा पूजा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा हर तरह से पूजा कर रहे हैं। ये खाली दुर्गा माता नहीं, दूसरे भी पूजा कर रहे हैं हम लोग, जैसा इधर मंदिर में है काली माता है, गणेश मंदिर है, राधा कृष्ण है, बालाजी मंदिर है, शिव मंदिर है, सब भगवान के लिए, सब भगवान को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मस्जिद में भी हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जैसा जहांगीरपीर दरगाह है, हम लोग उधर भी जाते हैं। नमस्कार, हैदराबाद बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंद काली मंदिर। ये काली मंदिर हम लोग जनवरी 28 में ओपनिंग करे और उसके बाद 2 महीने के बाद कोरोना वायरस आया, उसके लिए लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान था। उसके बाद हमारा दशहरा आ गया, ये साल फर्स्ट दशहरा के प्रोग्राम हम लोग फर्स्ट कर रहे, तो इसीलिए छोटा करके करे और सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करे। और अगले साल देखेंगे। और दिवाली में आ रहे हमारा जो काली मंदिर है, भवतारिणी मंदिर में पूजा भी है, तो इसीलिए सब। ये काली मंदिर की खास बात क्या है हैदराबाद में, ये जो आप लोग बनाए यहाँ पे? ये काली मंदिर का खास बात है, यही नवरात्रि दुर्गा पूजा में ही हम लोग सब पूरा टीम ही था, इसमें 22 आदमी मिल के हम लोग एक जगह में बैठ के ही बोला करे तो काली मंदिर बनाऊंगा, वो भी कलकत्ता का दक्षिणेश्वर का काली माता टेम्पल का जैसा मॉडल बनाऊंगा। वो
कलकत्ता में है दक्षिणेश्वर का मंदिर, ये हैदराबाद में दक्षिण में दक्षिणेश्वर का मंदिर, ये दक्षिण है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है। तो यहाँ पे ये कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे ये मंदिर बनाने के लिए, और कितना टाइम लगा ये मंदिर यहाँ? ये हमारा 10 साल लग गया। 10 साल लगा यहाँ पे जो तेलंगाना में, जो हैदराबाद में, जो बंगाल से, कलकत्ता से जो बंगाली लोग रहते वो लोग ही यहाँ पे ये बनाए मंदिर। एक्चुअली हम लोग जो स्वर्ण शिल्पी जो है, सोनार जो है, हम लोग जो सोनार है वो लोग सब मिल के बनाए, तो खाली हम लोग सोनार का नहीं, ऑल बंगाली का, ऑल जात का भी सब जो ना अलाउ है इधर। हम खाली ये बंगाली का बोल के नहीं, सब जो ना मिल के ही है यहाँ पे, सब जने आते हैं यहाँ पे तेलंगाना। ये आज करीबन मैयापुर से लेके बहुत दूर दूर से सब, पूरा बंगाली लोग भी आया था, बा तेलुगु लोग भी आया था, बा मराठी भी आया था, सब जन आया, सब जन बहुत तारीफ करके गया, बहुत हम लोग कमेटी वाला सब जन खुश है। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ घोष है, मैं ये मंदिर का कन्वेनर हूँ। ये मंदिर बनाने के पीछे एक हिस्ट्री है, तो हमारे बंगाली स्वर्णकार जो है ओल्ड सिटी में कम से कम 70-80 साल से यहाँ पे है, तो हर एक समाज का, बिहारी समाज, उड़िया समाज, मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, हर एक पहचान के लिए उन लोगों का कुछ ना कुछ निशान बनाया हैदराबाद में। तो हमारे हैदराबाद में बंगाली का कुछ भी निशान नहीं था, इसलिए हम लोग सोचा जो हमारे बंगाली के इतिहास के नाम लिखने के लिए दक्षिण में हैदराबाद में खास करके, तो हम लोग काली माता की शुरू करेंगे। इसलिए हमारे बंगाली के अंदर मेन 22 मेंबर मिलके इस मंदिर के चिंता भावना मन में लाया, और माता भवतारिणी के मंदिर में जो कलकत्ता में सबसे फेमस है, रामकृष्ण परमहंस देव रानी रासमणी जो मंदिर बनाया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उसके आदल में ये मंदिर बनाया हमें यहाँ पे। इस मंदिर से शुरू करके हम लोग माता भवरानी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जे ये मंदिर से हमारे बंगाली के जो समाज शुरू होंगे, आज तक कोई भी समाज जो शुरू हुआ नहीं, और जो शुरू हुआ वो ख़त्म भी हो गया। तो हम लोग माता रानी के हमारे आशीर्वाद से हम लोग सोचेंगे और सोचते भी रहेंगे जे हमारे बंगाली के जो भी है इस मंदिर के वजह से शुरू होंगे। हमारे चिंता भावना है मन में जो हम लोग यहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल बनाएंगे, एक अनाथ आश्रम बनाएंगे, फिर भी हमारे पास जो एक गेस्ट हाउस बनाएंगे, उस गेस्ट हाउस में सबके लिए रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम करेंगे, ये हमारे दिल में है। और माता रानी का अगर कृपा है तो ये हम लोग जरूर सक्सेस करेंगे जी। तेलंगाना में, तेलंगाना में तो नहीं बोल सकते, टोटल तेलंगाना में, हैदराबाद के अंदर जो गोल्ड स्मिथ है, करीब हम 1.5 लाख गोल्ड स्मिथ है फैमिली के साथ हैदराबाद में, जो है हैदराबाद में टोटल हैदराबाद में और तेलंगाना में मिला के कम से कम 4-5 लाख गोल्ड स्मिथ है।